कर्नाटक में मोदी की 20 तो शाह की 25 रैलियां। बीजेपी का कर्नाटक प्लान आया सामने। 6 अप्रैल को बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट होगी जारी। दिल्ली में कर्नाटक को लेकर बीजेपी ने बुलाई बड़ी बैठक। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्लान तैयार कर लिया है। पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने की तैयारी हो गई है। कर्नाटक में पीएम की 20 रैलियों का प्लान बनाया गया है। जरूरत पड़ती है तो ये संख्या और बढ़ाई जा सकती है। कर्नाटक का राजनीतिक तौर पर 6 हिस्सों में बांटा गया है और बीजेपी की कोशिश हर क्षेत्र में पीएम मोदी के 2 दिन का समय है। मोदी रैलियों के साथ कई रोड शो भी कराए जाएंगे, जिसमें से एक एक मैसूर और बेंगलुरु में होना तय माना जा रहा है। पीएम मोदी चुनाव प्रचार की शुरुआत 9 अप्रैल को बांदीपुर से करेंगे। पीएम मोदी इसी दिन मैसूर और चामराजनगर जाएंगे। इसके अलावा केंद्रीय नेताओं को भी प्रचार में लगाया जाएगा। 6 अप्रैल को बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची आ रही है और इस सूची में 170 के करीब लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि 2018 की तुलना में इस बार 40% उम्मीदवार बदल जाएंगे, यानी जिन लोगों ने बीजेपी के टिकट पर 2018 में चुनाव लड़ा था उसमें से 90 उम्मीदवार बदल जाएंगे, जिसमें से आधे के करीब विधायक भी हो सकते हैं। दरअसल चुनाव से पहले बीजेपी ने राज्य में कई सर्वे कराए थे, जिसमें विधायकों के कामकाज और क्षेत्र में उनकी सक्रियता को लेकर जनता की राय जानी गई थी और उसके परिणाम चौंकाने वाले सामने आए थे, क्योंकि आधे से ज्यादा विधायक अपने क्षेत्र में हारते दिखाई दे रहे थे। इसके बाद पार्टी ने विधायकों और यहां तक मंत्रियों को भी सख्त संदेश देते हुए कहा कि अगर हालत नहीं सुधरे तो टिकट नहीं मिलेगा। अब निगाहें उन विधायकों पर जिनका कामकाज बीजेपी के सर्वे में संतोषजनक नहीं था। इस बीच बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह भी कर्नाटक में सक्रिय हो चुके हैं। 10 अप्रैल के बाद वो राज्य में ही डेरा डालेंगे। इस दौरान दिन में शाह रैलियों और रोड शो के जरिए प्रचार करेंगे और शाम को चुनाव की रणनीति तैयार करेंगे। देर रात तक पार्टी नेताओं के साथ बैठकों का दौर चलेगा और दूसरे दिन चुनाव प्रचार की रणनीति पर विचार होगा। माना जा रहा है कि शाह करीब 25 से ज्यादा सभाएं और रोड शो करेंगे। उनके अलावा जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, स्मृति ईरानी और हेमंत बिस्वा शर्मा की 25 से ज्यादा सभाएं कराने की योजनाएं हैं। लेकिन बीजेपी की सबसे ज्यादा निगाह जिस नेता पर है वो कर्नाटक में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे बीएस येदुरप्पा। येदुरप्पा को बीजेपी ने लिंगायत समुदाय को साधने की जिम्मेदारी सौंपी है। बीजेपी यह मान रही है कि अब तक कर्नाटक में 17% लिंगायत समुदाय येदुरप्पा के नेतृत्व की पार्टी के साथ रहा है, जो इस चुनाव में भी समर्थन करेगा। वैसे इस बार लिंगायत मठ किसी भी दल के समर्थन में नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसके पास तक ये मैसेज है कि बीजेपी चुनाव के बाद येदुरप्पा को सीएम नहीं बनाएगी। वैसे बीजेपी की ओर से भी लिंगायतों को मनाने की कोशिशें लगातार जारी है। कर्नाटक सरकार ने इसे ध्यान में रखते हुए लंबे समय से चली आ रही लिंगायत समुदाय की कई मांगों पर मुहर लगाई है। हाल ही में बीजेपी के अंतिम कैबिनेट बैठक में मुस्लिम ओबीसी के 4% आरक्षण को समाप्त कर 2% लिंगायत समुदाय और 2% वोक्कालिगा में बांट दिया गया है। बीजेपी मानती है कि इसका सीधा फायदा विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिलेगा। यही कारण है कि बीजेपी अपने हर मंच में बीएस येदुरप्पा को पहले की ही तरह तवज्जो दे रही है। साफ है कि बीजेपी की रणनीति इस बार सभी को साथ में लेकर चलने की है। राज्य के सीएम बसवराज बोमई भी लिंगायत समुदाय से ही आते हैं, लेकिन उनसे राज्य की बड़ी आबादी नाराज है, जिसके बाद बीजेपी ने रणनीति बदलते हुए साफ कर दिया कि बोमई को सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं करेगी। और सीएम किसे बनाया जाएगा इसे तय करने में येदुरप्पा की भूमिका सबसे बड़ी होगी।